नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। आपको बताएं कि दो दिवसीय चलाए जा रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। ऐसे में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं से और अपने नेताओं से वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे और साथ ही साथ कई तरह की टिप्स भी उनकी तरफ से दी जाएगी। बता दें कि लगातार आरजेडी खुद को मजबूत करने के लिए, पार्टी में अनुशासन लाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजन आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ये दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था जिसका आज आखिरी दिन है और ऐसे में खुद लालू प्रसाद यादव वर्चुअली जुड़कर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कई तरह की बातें समझाएंगे कि आखिर किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, आखिर किन किन तरह से आरजेडी काम कर सकती है ताकि वो बिहार की जनता से ज्यादा जुड़ सके। बता दें कि इससे पहले भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जो है वो आरजेडी की तरफ से किया गया था जिसमें लालू प्रसाद यादव भी वर्चुअली जुड़े थे और कई तरह की टिप्स की तरफ से दी गई थी। खास बात यह है कि उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव जुड़े तो उन्होंने ये एक जो है सिंबल दिया आरजेडी को, ये एक बेहद जो बड़ी नसीहत है वो उनकी तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि आप हरा गमछा और हरा टोपी लगाइए तभी आरजेडी जो है वो एक बड़े लेवल पर निकल कर सामने आएगा, उसका वर्चस्व कायम हो सकेगा, लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि आरजेडी आखिर कितनी बड़ी पार्टी है, जिसके बाद से ही ये जो हरी गमछी और टोपी का जो सिलसिला है वो आरजेडी में देखने को मिल रहा था। हर एक कार्यकर्ता और नेता के जो है कंधों पर हरी गमछी नजर आई। ऐसे में आज के इस प्रशिक्षण शिविर में क्या टिप्स लालू यादव की तरफ से दिया जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार लालू प्रसाद यादव ने कई तरह की बातें कही कि आखिर किस तरह से हम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से हम अनुशासन में रहकर काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये एक खास बात भी उस वक्त कहा था कि अगर किसी एक को टिकट मिलता है तो दूसरा नाराज होता है, दूसरा पार्टी छोड़कर चला जाता है, जिससे नुकसान पार्टी को होता है। इसको लेकर भी कई तरह की बातें लालू प्रसाद यादव ने समझाई थी, कहा था, उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि हम सभी को मिलकर पार्टी के लिए काम करना है, हम सभी को मिलकर आरजेडी को आगे बढ़ाना है। ऐसे में छोटी छोटी बातों से नाराज होकर पार्टी छोड़कर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आज जब लालू प्रसाद यादव वर्चुअली अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने गए तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ टिप्स उनकी तरफ से दिया जाता है, किस तरह की बातें उनकी तरफ से की जाती है और खासकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति लालू प्रसाद यादव की तरफ से बनाई जाती है। तो ये दो दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर आरजेडी की तरफ से चलाया जा था, इसका आज आखिरी दिन है, आज इसका समापन है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें इस प्रशिक्षण शिविर से निकलकर सामने आती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपने कार्यकर्ता और नेता से जुड़ने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, उनसे संवाद करने वाले हैं और खास बात यह है कि प्लानिंग और रणनीति उनकी तरफ से जो कुछ भी बनाई गई है आज वो इन्हीं रणनीति को साझा करते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें इस वर्चुअल मीटिंग से निकलकर सामने आती है, इस प्रशिक्षण शिविर से निकलकर सामने आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और क्या कुछ टिप्स उनकी तरफ से दिया जाता है। इंतजार है कि कब लालू प्रसाद यादव प्रशिक्षण शिविर में वर्चुअली माध्यम से जुड़ते हैं। जो कुछ भी तस्वीरें आएंगी, जो कुछ भी खबरें आएंगी, जो कुछ भी टिप्स लालू प्रसाद यादव की तरफ से अब बताया जाएगा, जो जानकारी इस प्रशिक्षण शिविर से निकलकर सामने आएगी, न्यूज फॉर नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।